हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज झटपट बन जाने वाला सैंडविच बनाने जा रही हूँ, जिसे आप बिना सैंडविच मेकर के भी तवे पे बना सकते हैं। ये सैंडविच बहुत ही जल्दी घर के चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। सैंडविच बनाने के लिए मैं बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर एक बाउल में रख लूँगी। अब मैं उसमें आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी। और साथ ही आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मेरे बेटे को हरी मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच मेयोनीज ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही 1 से 1.5 चम्मच इसमें टमाटो सॉस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बीच बनाने के लिए ब्रेड के नीचे वाले साइड में मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर से मैं सैंडविच का फिलिंग डाल के अच्छे से चारों ओर स्प्रेड करके सैंडविच तैयार करूँगी। ब्रेड के टॉप पे घी लगा के हम सैंडविच रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से मैं और भी सैंडविच बना लूँगी। अब तवा गरम करेंगे। तवा हमारा गरम हो गया है। अब मैं इस पे सैंडविच को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। सैंडविच को मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा सा घी भी ऐड कर लेंगे। और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने के बाद हमारा सैंडविच रेडी है। हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, घर की चीज़ों से झटपट बन जाने वाला यह सैंडविच आप ज़रूर ट्राई करिए। मैं यहाँ पे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।